मिलन सोमन फाइनली फैमिली के साथ स्पॉट किए गए मंदिर में और साथ ही साथ ऐसा कुछ करते हुए नजर आए जिससे सभी लोगों को वो अवेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं मिलन। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल, आपको बता दें कि मिलन सोमन आज अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के साथ शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रास्ते से सारे कचरों को उठाकर सभी को ये अवेयरनेस फैलाया है कि कचरे नहीं फैलाने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कैप्शन में ये भी लिखा था कि शिव मंदिर की ओर जाते हुए भगवान के लिए मैंने कुछ ऐसा किया। और वेल, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि हमें बंदरों से भी ज़्यादा केपेबल और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो कचड़े हैं डस्टबिन के अंदर इसलिए नहीं फेंके जाते क्योंकि बंदर वहाँ का कचड़ा निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कचड़ों को जलाने की, और जला कर ही फाइनली हम कचड़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सभी को अवेयरनेस फैलाई और साथ ही साथ ये इन्फॉर्म किया कि हमें ज़रूरत है कि बंदरों से भी ज्यादा स्मार्ट बने। वेल, ये सोशल मीडिया पर लगातार इनके ये वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मिलन सोमन दोनों हाथों में कचरों के पूरे पॉली बैग्स लेकर खड़े हैं। ऐसे में फिलहाल वह अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मंदिर की सफाई भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने सभी को मैसेज भी दिया है। वेल, आप भी देखें इन वायरल तस्वीरों को और आप भी अवेयर हो जाइए मिलन सोमन की तरह, और कमेंट कीजिए कैसा लगा ये इनिशिएटिव मिलन सोमन का हमारे कमेंट सेक्शन में। और तमाम बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।